स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी साइंस टीचर श्वेता माँ। बच्चों, इंग्लिश ग्रामर, पावर ऑफ इंग्लिश ग्रामर में मैंने आपको चैप्टर सिक्स में 21 से लेकर के और 40 तक मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। और आज टाइम है टेस्ट का, तो रेडी फॉर टेस्ट। अपनी टेस्ट कॉपी निकाल लीजिए। और आपको क्या करना है, टेस्ट कॉपी में अपने नेम लिखने हैं, आज का डेट लिखना है और क्या टेस्ट दे रहे हैं आप, क्योंकि सब्जेक्ट चेंज होंगे। कभी मॉर्निंग ओरल होगा, कभी वीडियो क्लास का टेस्ट होगा, ठीक है। तो इसलिए आपको सब्जेक्ट लिखना ज़रूरी है। तो नेम लिख लो, डेट लिख लो, सबसे पहले डेट लिखो, फिर नेम लिखो, सब्जेक्ट लिखो, ठीक है। फिर उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स क्लास लिखिए, उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स, कितने मार्क्स का टेस्ट है ये, और गेन मार्क्स, आपने कितने मार्क्स गेन किए, ठीक है। ये आपको बाद में लिखना है। टेस्ट कॉपी लेकर के आपको बैठना है, पेन कॉपी ले लो, टेस्ट कॉपी ले लो, और ओवरऑल मार्क्स के बजाय ना पूरे में हर एक क्वेश्चन में आपने कहाँ कहाँ वन मार्क्स आपके आए हैं वो चीज़ लिखते जाना है, कहाँ गलती हो रही है, ताकि मुझे पता पड़ेगा कि अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 में आपने मिस्टेक किया, ठीक है। और एक और बात, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ सुनिए, ओरल बोलिए और मार्क्स दीजिए, ठीक है। सिर्फ आपको ये नंबर और इसके आगे आगे मार्क्स लिखने हैं, और जिस जो आपको नहीं आ रहा है उसको क्रॉस कर देना है, ओके। बस इतना करके ये इसी तरीके का पूरा फॉर्मेट तैयार कर लो ये, ओके। और यहां पर लास्ट में आपको मार्क्स देना है। ये चीज जो होगा ना बेटा, नेम, क्लास, मैक्सिमम मार्क्स और गेन मार्क्स, ये आपको इसी वीडियो, जहां ये वीडियो चल रहा है ना उसके नीचे ही देखेंगे। उसके नीचे ही बस जाओ तो देखो वहां पर लिखा रहेगा कमेंट, मतलब यहां पर आप कमेंट कर सकते हैं। आप कमेंट में ये चीज लिखोगे ना तो यहां पर मुझे और ज्यादा सुविधा रहती है कि इसी वीडियो का ये चीज है, ठीक है। क्योंकि मार्क्स दूसरे के भी हो सकते हैं, वो पिक्चर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर देना, लेकिन यहाँ अगर आप जो है ना कमेंट करते हो तो वो मेरे लिए सुविधा रहेगा। तो नेम, क्लास, मैक्सिमम मार्क्स, टोटल मार्क्स कितने का है, ये 40 मार्क्स का है, और गेन मार्क्स, आपने कितने मार्क्स लाए, ये इसी वीडियो के नीचे कमेंट है, कमेंट बॉक्स में जाकर के आपको टाइप करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, आप बताइए मुझे मीनिंग, प्लेस मीन्स क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्लेस, PLACE, प्लेस, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्लेस, आपको हिंदी में ही बताना है प्लेस का मतलब क्या होता है। आंसर डन। देखिए सही जवाब है इसका, प्लेस मतलब स्थान, जगह, है ना। प्लेस मतलब क्या होता है, स्थान, जगह। अगर आपने ये आंसर दिया है तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट है वेयर, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वेयर, वेयर मीन्स क्या होता है, क्या आपको आंसर पता है। यस, करेक्ट आंसर है वेयर मीन्स कहाँ, ठीक है। अगर आपने यही आंसर दिया है तो लिखेंगे 1 मार्क्स। उसके बाद क्रिमिनल्स, क्रिमिनल्स मीन्स क्या होता है, क्रिमिनल्स, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ क्रिमिनल्स। यस, क्रिमिनल्स का मीनिंग क्या होता है, अपराधी, ठीक है। क्रिमिनल्स मतलब जो क्राइम करते हैं, है ना, जो अपराधी होते हैं, ओके। कैप्ट, कैप्ट मीन्स क्या होता है, यस, हिंदी मीनिंग ऑफ कैप्ट, कैप्ट का हिंदी मीनिंग क्या है, कीप, कीप कैप्ट, है ना। कैप्ट मतलब क्या होता है, रखा गया, है ना, रखा गया, कैप्ट सेकंड फॉर्म है ये, ठीक है। तो कैप्ट मतलब रखा गया, है ना, क्रिमिनल्स को जहाँ रखा जाता है, कोई और रखता है ना, तो ये इसका कीप को ही, कीप मतलब रखना, ठीक है, उसी का सेकेंड फॉर्म है ये कैप्ट, क्रिमिनल्स को जहाँ रखा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट आपको बताना है अ पर्सन हु, यहाँ पर हु की मीनिंग क्या है, व्हाट इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ हु, यहाँ पर अ पर्सन हु, ओके, हिंदी मीनिंग बताइए। बिल्कुल सही जवाब, अ पर्सन हु, हु मीन्स होता है जो, है ना, हु मीन्स जो, कोई पर्सन जो। व्हाट इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ हंट, हंट मतलब क्या होता है, हंट, HUNT, हंट, करेक्ट, हंट मतलब शिकार करना, करेक्ट। नेक्स्ट है आपको बताना है कांट, CAN, कैन, नॉट, दोनों को एक साथ मिला देते हैं तो कांट, हिंदी मीनिंग, मीनिंग ऑफ कांट, क्या होता है इसका हिंदी मीनिंग, करेक्ट, नहीं सकता, ठीक है। कैन मतलब सकना और नॉट मतलब ना, नहीं सकता, ठीक है, नहीं कर सकता, कोई काम नहीं कर सकता, है ना, तो नहीं और सकना दोनों का मीनिंग मिला के एक साथ बोलते हैं हम कांट, ओके। नेक्स्ट बताइए आप मुझे व्हाट इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ हियर, HEAR, हियर, यस, हियर मतलब सुनना,
ठीक है. व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ स्पीक? करेक्ट, स्पीक मीन्स बोलना. ओके, अब बताइए आप व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ पीपल? पीपल का मतलब क्या हुआ? करेक्ट, पीपल मीन्स लोग. ओके, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ कंट्री? करेक्ट, कंट्री मीन्स देश. टीच, टीच का मतलब क्या होता है? हिंदी मीनिंग ऑफ टीच, टी ई ए सी एच, टीच. करेक्ट, टीच मीन्स पढ़ाना. व्हीकल, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ व्हीकल? वी ई एच आई सी एल ई, व्हीकल. करेक्ट, व्हीकल मतलब वाहन, है ना, गाड़ियाँ जिससे चलते हैं, वाहन. ओके, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ सराउंडेड या सराउंडिंग? सराउंड, सराउंड मतलब, करेक्ट, चारों तरफ. सराउंड मीन्स चारों तरफ. ओके, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ कुक? कुक मीन्स क्या होता है? करेक्ट, खाना पकाना. कुक मीन्स खाना पकाना. व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ विलेज? विलेज, करेक्ट, हिंदी मीनिंग ऑफ विलेज इज गांव, ग्रामीण, गांव, ग्रामीण एक गांव. व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ पुअर? करेक्ट, गरीब. अब आप बताइए प्रिजन, प्रिजन मीन्स, करेक्ट, कारागार. पैलेस मीन्स, करेक्ट, महल. हंटर मीन्स शिकारी. ओके, ब्लाइंड मीन्स अंधा. डेफ मीन्स बहरा. डम मीन्स गूंगा. ओके, साइंटिस्ट, साइंटिस्ट का हिंदी मीनिंग, यस, वैज्ञानिक. पॉपुलेशन मीन्स, करेक्ट, जनसंख्या. आइलैंड मीन्स आइलैंड, करेक्ट, टापू. चाइल्डहुड मीन्स, करेक्ट, बचपन. पॉवर्टी मीन्स, करेक्ट, गरीबी. ओके, अब चलिए नेक्स्ट बताइए. अ प्लेस वेयर अ किंग और क्वीन लिव्स. अ प्लेस वेयर अ किंग और क्वीन लिव्स, लीव्स, लीव्स, करेक्ट. पैलेस मतलब वो जगह जहाँ पर किंग या क्वीन रहते हैं, उस जगह को क्या बोलते हैं? पैलेस. ओके, अ पर्सन हु हंट्स वाइल्ड एनिमल्स. अ पर्सन हु हंट्स वाइल्ड एनिमल्स, करेक्ट, हंटर. वन हु कांट हियर, वन हु कांट हियर, करेक्ट, कोई भी ऐसा जो सुन नहीं सकता, क्या बोलेंगे? डेफ. ओके, नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ कंट्री. टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ कंट्री, इसको क्या बोलते हैं? वन वर्ड. इस पूरे सेंटेंस को सब्स्टिट्यूट कर देना और इसकी जगह पर एक वर्ड लिखना है, क्या लिखेंगे? करेक्ट, पॉपुलेशन. नेक्स्ट, अ पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर. अ पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर, करेक्ट, आइलैंड. ओके, जमीन का वह भाग जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो. ओके, नेक्स्ट, द टाइम व्हेन वन इज अ चाइल्ड. A time when one is a child.
यस करेक्ट, चाइल्डहुड, कोई भी जब बच्चा था वो समय क्या था, वो समय था बचपन, ठीक है करेक्ट। नेक्स्ट है द सिचुएशन ऑफ बींग पुअर, वन वर्ड, द सिचुएशन ऑफ बींग पुअर, यस करेक्ट, पॉवर्टी। ओके, वह सिचुएशन जिसमें जो जब पुअर गरीब थे, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, गरीबी। ओके नेक्स्ट, अ पर्सन हु हैज लॉट ऑफ स्किल और स्पेशल नॉलेज, वन वर्ड, पूरे सेंटेंस के लिए वन वर्ड, करेक्ट, एक्सपर्ट, है ना, ऐसे पर्सन जिनके पास बहुत सारा स्किल हो, ठीक है, और जो कि स्पेशल नॉलेज रखते हो, उनको हम क्या बोलते हैं, एक्सपर्ट। नेक्स्ट, टॉक बिटवीन टू और मोर पीपल, टॉक बिटवीन टू और मोर पीपल, वन वर्ड बताना है आपको, करेक्ट, कन्वर्सेशन, ठीक है, दो या दो से अधिक लोगों के बीच का जो बातचीत होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्सेशन, ठीक है। नेक्स्ट है ये तो यही, हाँ, अ पर्सन हु इज ट्रैवलिंग, अ पर्सन हु इज ट्रैवलिंग, वन वर्ड, करेक्ट, ट्रैवलर, ट्रैवलर मतलब यात्री, जो ट्रैवलिंग करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, यात्री बोलते हैं। ओके अब बताइए आप मुझे, अ प्लेस वेयर क्रिमिनल्स आर कैप्ट, ये मैंने पूछ लिया है क्या, चलो, वन हु कांट सी, वन हु कांट सी, वन वर्ड, करेक्ट, ब्लाइंड, जो देख नहीं सकता उनको हम क्या बोलते हैं, ब्लाइंड बोलते हैं। अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिलेटेड टू ईच अदर, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिलेटेड टू ईच अदर, वन वर्ड, करेक्ट, फैमिली, एक ऐसा, ऐसे लोगों का ग्रुप जो कि सब एक दूसरे से कुछ ना कुछ रिलेशन रखते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं फैमिली, ठीक है। अब आपके टोटल कितने मार्क्स आए हैं, फटाफट अपने मार्क्स जो है यहाँ पे काउंट कर लो, और यहीं नीचे जहाँ वीडियो चल रहा है ना, यहीं कॉमेंट करना है बच्चों, ठीक है, तो यहाँ अपने नेम लिखना, क्लास लिखना, आप ना टाइप करेंगे आराम से टाइप हो जाता है, ठीक है, नेम, क्लास, टोटल मार्क्स कितने का है, तो टोटल मैक्सिमम मार्क्स लिख देना 40, उसके बाद आपने कितने मार्क्स गेन किए वो यहां पर गेन मार्क्स लिख देना कि 40 में से आपके टोटल कितने मार्क्स आए हैं। ओके बच्चों, तो अभी के लिए इतना ही, अब कल कल मैं आपको समझाऊंगी इसके आगे का, जैसे मैंने आपको कहां तक समझा दिया, 40 तक समझा दिया ना, तो 41 से 56 तक मैं आपको कल एक्सप्लेन करूंगी, उसको अच्छी तरीके से समझना है, पूरा वर्ड मीनिंग अच्छी तरीके से लिख लेना है सेंटेंस के ऊपर, और उसका टेस्ट होगा फिर नेक्स्ट डे, ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, स्टडी करते रहिए, ओके, हैव नाइस डे।